अस्सलामुअलैकुम। आज के सामने आज का सबक नंबर 9। सबक नंबर 9। 8 सबक हो गए। अभी उन दो चश्मे हरफों में से अभी पहले 8 हर्फ लिखना और पढ़ना हो गया, उसके आगे के हर्फ आपको समझा जाएंगे सबक नंबर 9। तो यहाँ पर शक्ल की तो पहचान हो गई कि आपको किस तरह से ये शक्ल लिखना है। अभी उसके आगे के हर्फ में हमने ढ तक पढ़े, द ढ तक पढ़े आखिर में, उसके आगे के हर्फ में र। अभी र के साथ दो चश्मे वाला हर्फ है, इसलिए उसके आखिर की र की आवाज आएगी, जैसे र र क्या पढ़े उसका नाम र ढ ढ ख घ ल म न वह, यानी इस तरह से इन हरफों का तलफ्फुज इस तरह से आएगा। और एक मरतबा र ढ ख घ ल म न वह, इस तरह से तलफ्फुज। उसके नीचे आपको मराठी के हर्फ दिए जिसके अंदर इन हरफों का तलफ्फुज किस तरह से और उसको किस तरह से पढ़ा जाता है इसलिए यहाँ पर दिया गया। तो ये अभी 8 हर्फ है, इसको हम लिखना किस तरह से देखेंगे। सबसे पहला र, र को हम पूर्वे तेजी के अंदर किस तरह से लिखना है देखे हुए, उसको लिखना इस तरह से, ऊपर वाली लकीर छोटी, ऊपर वाली लकीर छोटी, नीचे वाली लकीर क्या होगी थोड़ी सी लंबी होगी। और उसके सामने हमें लगाना है दो चश्मे वाला को लिखना है, उसको लिखेंगे इस तरह से। लिखेंगे र क्या के दो चश्मे वाला हर लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे र। और दूसरा र, जैसे हम र लिखे इस तरह से र, उसके ऊपर निशान इस तरह से रहेगी, इसको पढ़ेंगे र। और उसके हम क्या करना है दो चश्मे वाला हर क्या करना है उसके आगे लिखना, उसको लिखना इस तरह से, ये बना ड, क्या बना ये ड, नहीं ये ड के साथ हल्की आवाज ड, इसके अंदर दो चश्मे हाथ मिलने के बाद जैसे इसकी आवाज क्या हो गई ड, क्या हो गई ड, ये र और ये ड। अब उसके आगे वाला हाथ है हमने उसी तेजी में पढ़े क, है ना, इस तरह से हमने क लिखना देखे। अब क के अंदर क्या करना है हमें दो चश्मे वाला हाथ क्या करना है मिलाना, मिलाना है यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे ख, क्या पढ़ेंगे हम इसको ख। दोबारा और एक फिर इस तरह से शक्ल में इस तरह से उसके अंदर दो चश्मे वाला हाथ मिलाएंगे और उसके ऊपर दो लकीरें देंगे और इसको पढ़ेंगे हम घ, इसको क्या पढ़ेंगे ख और इसको पढ़ेंगे हम घ। कितने हो गए यार, 4 हर्फ हो गए। पांचवा हर्फ है इसको हम लिखना किस तरह से ल, पहले सब क्या करेंगे हम रूपे तेजी का ल लिखेंगे, क्या करेंगे ल लिखेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे दो चश्मे वाला हाथ मिलाएंगे, दो चश्मे वाला हाथ क्या करेंगे हम उसके अंदर मिलाएंगे। दोबारा और एक मरतबा लिखने में ध्यान देना, इस तरह से ल लिखेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे दो चश्मे वाला हाथ मिलाएंगे ल, क्या पढ़ेंगे इसको हम ल। दोबारा और एक मतलब थोड़ी सी बनावट में फर्क है, यहाँ पर ल इस तरह से और उसको क्या कहते हैं इस तरह से ल, आधा ल और उसके आगे आगे दो चश्मे वाला हो, इसको हम पढ़ेंगे ल, क्या पढ़ेंगे इसको हम ल। इसके बाद वाला छठा म, म आधा म लिखेंगे, आधा म और उसके अंदर दो चश्मे वाला हाथ कर दीजिए लाने, क्या पढ़ेंगे इसको म, यानी हमने हल्की आवाज में पढ़े म और उसके अंदर दो चश्मे वाला हाथ म मिला हुआ है उसको हम पढ़ेंगे म। उसके बाद में सातवां इस तरह से जैसे ब के लिए हम लिखे थे उसके अंदर क्या करना है दो चश्मे वाला हाथ मिलाना है और
एक नुक्ता दे दिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? न। क्या पढ़ेंगे? हम उसको न पढ़ेंगे। और आखिरकार पे वो, ये वो इस तरह से लिखेंगे और उसके आगे दो चश्मे वाला हर लिखेंगे। हम इसको पढ़ेंगे वो, वो की आवाज आएगी, वो के साथ वो की आवाज आएगी, वो के साथ वो की आवाज आएगी, वो के साथ वो की आवाज, वो के साथ वो की आवाज, वो के साथ वो की आवाज, अंदर के साथ ह की आवाज, म के साथ ह की आवाज, न के साथ ह की आवाज, और व के साथ ह की आवाज। अब मेरे साथ पढ़ेंगे इस अक्षरों को किस तरह से पढ़ा जाता है। र, र, ख, घ, ल, म, न, व, इस तरह से इनको पढ़ने की मश करना है। अभी ये पूरे अक्षर जो है ब, भ से लेकर व, ये पूरे हर इसकी वीडियो है। आपको उसमें किस तरह से पढ़ना है और उसकी बनावट कैसी है आपको वो वीडियो में देखना है और अपनी बयाज में खुशकत तहरीर में यानी साफ सुथरा लिखना है। समझ में आई बात? तो ये अपने घर वालों की इसको सबक नंबर लोगों को करना है, मुकम्मल करना है। ये आज का नवा सबक, इस तरह से ये आज का नवा सबक रहेगा। और उसके बाद के आएगा काम आपके लिए दो हरफी लफ्ज लिखना, दो हरफी लफ्ज लिखना, ये दसवां काम कल आपको बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम।